अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वाक्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नासिर कहता है, आज से 4 साल पहले की बात है, मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें ना पकड़ सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छूटने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वह बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था, तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुँच गया। 14वीं का चांद अपने हुजूर पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। नासिर कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी मेरी हालत उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जहाँ पर जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक सावल थी जो काफी मोटी थी। सावल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। यह आवाज सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटकर कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए? हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहाँ पर रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। यह मंजर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहाँ से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वह सब वहाँ से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उसके पास आया। जल्दबाजी में वह लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खुल सके। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना इस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख कर दिया ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुँच सके, लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वह मर गई है। मैंने उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की कि मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई थी तो मुझे मायूसी सी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर यह बच्चा कहाँ से आ गया। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराने की आवाज भी सुनाई देने लगी, यानी लड़की जिंदा थी। मैं खौफ ज्यादा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने
उन्होंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वह लड़की निधाल थी और कब्र में पड़ी थी। मुझे यह समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वह लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो सावल थी उससे मैंने उस लड़की का जिस्म ढक दिया। लड़की की हालत गैर थी और वह तकलीफ में थी और वह बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती हुई दिखाई दी। मैं उस बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रोकने का इशारा किया। पता नहीं कैसे लेकिन इतनी रात में भी वह लोग रुक गए, लेकिन वह डर रहे थे। मैंने उनसे कहा मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान में गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। वह तस्दीक करने के लिए मेरे साथ आए तो उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा इन तीनों को मदद की जरूरत है। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उसे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम शिग्रा है, मैं एक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और इस कमजोर लम्हे की जिद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारा राबता हो गया। फिर बात मुलाकात तक पहुंच गई। मेरे चार भाई थे। जब वह काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे और जिसकी सजा अब मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज मेरे पेट में पलने लग गया तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी इसीलिए वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा अब हमल जाया नहीं हो सकता वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राफ्ता किया और कहा अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो, तो आगे से उसने कहा कि यह बच्चा ना जाने किसका है और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और मुझ जैसी बर किरदार लड़की से शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जा रही है। मेरे भाइयों ने कहा कि यह हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे, हम दिन को काम पर जाते हैं, पीछे से यह घर संभालती है। खाला ने कहा यह बीमार है, तुम लोग शादी कर लो अगर काम वाली चाहिए। ना जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे अपने घर ले आई। खाला के घर में उनकी बेटी और बेटा रहते थे, उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहाँ गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर आ पहुँचे। उन्हें ना जाने कैसे खबर हो गई थी और वो मुझे घसीट कर वापस ले गए और यहाँ से कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया गया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह पाक से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था, दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह पाक से दुआ मांगी। मैंने रोजे रखे, तमाज पढ़ी और मैं गुमराह हो गई। यह मेरे रब मुझे आखिरी मौका दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे, मैं सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुम्हें पसंद हो तो उसके बदले में मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को
को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह पाक को मैंने अपने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी, जिसके बाद तुम आ गए। तुमने पहले कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल तो मुझे लगा कि मेरा भाई वापस आ गया मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है, मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांसें कब्र के अंदर ले ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी की शुरुआत अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांसें कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूं। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वह हमें नहीं भूलते। मैं तहजूद गुजार लड़की थी, रोज़ इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी थी। लेकिन देखो तो सही, अल्लाह पाक ने किस तरीके से मेरी मदद की, और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी उस शख्स के खातिर जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे बीच में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है कि शिगरा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाक्य मेरे लिए भी बहुत ही बुरा था। मैं भी इस वाक्य का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी गुनाहों से तौबा कर ली और शिगरा से शादी करने का फैसला कर लिया। शिगरा से शादी मैंने सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए की थी, ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज मैं इलाम रखने वाला बंदा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह सबको अपने हफ्ज़ो अमान में रखे। खुदा हाफिज़।